आज आपको मैं बता रहा हूँ बताने जा रहा हूँ विज्ञान के अति महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह NCERT हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम CBSE दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है और दोनों ही परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी बुक ले लीजिए, किताब वाइज बुक ले लीजिए, क्योंकि मैं जो निशान लगाऊंगा आपको चैप्टर वाइज निशान लगाऊंगा। मैं इस चैप्टर का जो कोर्स दिया हुआ है अध्याय 1 से लेकर तो अध्याय 16 तक दिए हुए पाठ दिए हुए हैं, अध्याय दिए हुए हैं और सारे ही पाठ के जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा मैं इसके चैप्टर वाइज बताऊंगा और ब्लूप्रिंट के अनुसार ही बताऊंगा कि इस पर इन चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर के 3 नंबर के कौन कौन से प्रश्न रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में से जो पूछा जाएगा जो एक प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा, 1 प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और 1 प्रश्न 3 नंबर का। इस प्रकार से इस चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से 6 नंबर के परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है इसलिए आप इसको तो निश्चित रूप से याद करना है, इसे डबल राइट कर रहा हूं मैं। इसके बाद निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, इसमें अणु और परमाणु की संख्या को आपको दोनों तरफ संतुलित करना है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन है जिसको डबल राइट करना, डबल राइट करा मतलब आप समझ जाना कि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, निम्न पौधों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण देना है आपको, संचारण और विकृत गंधिता। इस प्रकार से इस चैप्टर में से सारे टोटल IMP क्वेश्चन आपको मैंने बता दी। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में से जो आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1 प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से टोटल 5 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अब इस चैप्टर में से 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, मतलब जो प्रश्न होगा वो अति लघु उत्तरी नहीं आएगा, थोड़ा सा दीर्घ उत्तरी में ही आएगा क्वेश्चन। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है अम्ल का जली विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, शुष्क हाइड्रोलिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है आशवी जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है, कारण बताना है इसका। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ली क्यों नहीं होता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये और धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग है, ये भी बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को तो आप छोड़ना ही अवश्य याद करना। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है अध्याय 3 धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में जो पूछे जाएंगे टोटल 1 प्रश्न आए एक आएगा प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और 1 प्रश्न रहेगा वो 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न रहेंगे और इसमें से जो प्रश्न आएंगे
दो प्रश्न आएंगे और छः नंबर के आएंगे, मतलब इस चैप्टर में से छः नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, धातु एवं अधातु। अब इसमें अति लघुत्री और दीर्घ अति लघुत्री प्रश्न तो नहीं आएगा, इसमें निबंधात्मक ही प्रश्न आएगा क्योंकि पाँच नंबर का प्रश्न है, पाँच नंबर का प्रश्न बड़ा ही होता है। क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्वेश्चन नंबर दो, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, निबंधात्मक प्रश्न आएगा, बड़ा ही प्रश्न है। पाँच नंबर में जो प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर में से, निम्न पौधों की परिभाषा दीजिए, खनिज, अयस्क और गैंग, टिप्पणी आ सकती है एक साथ इस चैप्टर में से। इसके बाद जो क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भौतिक एवं धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, मतलब इस चैप्टर में से धातु एवं अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण के अंतर अवश्य याद करना, वो निश्चित बहुत ही मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है कि धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या अंतर है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण दीजिए। इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे एमपी क्वेश्चन मैंने बता दिए, चैप्टर नंबर 3। अगला चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर फोर में एक ही प्रश्न आएगा जो कि चार नंबर का होगा। इस प्रश्न में अति लघुत्री क्वेश्चन आने और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल एक प्रश्न आएगा जो कि चार नंबर का होगा। इस चैप्टर में से जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं या एक नंबर का क्वेश्चन नहीं रहा तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, केवल बड़े पर जो दीर्घ उत्तरी है और निबंध उन प्रश्नों पर ही ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित करना, आपको एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनन और हेक्सेनल, आपको इसकी संरचनाएँ लिखना। आपको निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे या आईपीएससी के अंतर्गत आपको नाम लिखना है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। इसके बाद इसी चैप्टर में से है, समझाती श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइए, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको तो अवश्य आप करना। कठोर जल को यह तो आने की संभावना नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसको भी अवश्य आप करना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, ये भी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे, इस क्वेश्चन को भी एक बार आप रीड अवश्य कर लेना। अब चैप्टर नंबर फाइव तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इस चैप्टर में से जो आएगा एक ऑब्जेक्टिव आएगा जो एक नंबर का होगा, एक प्रश्न आएगा जो कि दो नंबर का आएगा, मतलब इस चैप्टर में से निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आएगा, केवल अति लघु उत्तरी प्रश्न आएगा क्योंकि इस चैप्टर में से दो नंबर का ही प्रश्न आना है। अति लघु उत्तरी प्रश्न आएगा इसलिए आपको छोटे प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। डोबेरियन के वर्गीकरण की क्या सीमा है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है, दो ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं, इस प्रकार चैप्टर फाइव के आपको क्वेश्चन बता दिए। अगला स्टार्ट हो रहा है अध्याय 6, इस पार्ट में से जैव प्रक्रम, इस पार्ट में से पूछे जाएंगे, तीन ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा वो चार नंबर रहेगा, मतलब इस चैप्टर में से अति लघु उत्तरी प्रश्न नहीं आएगा, केवल लघु उत्तरी प्रश्न आएगा और सात नंबर का इस चैप्टर में से जैव प्रक्रम में से पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन है, स्वयंपोषी
स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है और पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। ये एंजाइम वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये भी आने की संभावना है क्वेश्चन की। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है और पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। वक्राणु जिसको वो होता है बोलते हैं नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आपको इसका चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की भी अच्छी तरह से आपको इस चित्र की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखे तथा अवायवीय श्वसन क्यों होता है, यह भी बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। इस प्रकार क्वेश्चन पार्ट 6 के चैप्टर के बता दिए। अगला जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इस पार्ट में से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि एक एक नंबर का होगा और एक प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का प्रश्न होगा, मतलब इसमें टोटल मार्क्स के टोटल नंबर जो होंगे वो 6 नंबर के इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। प्रकृति क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बताइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, यह भी बहुत ही मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, इसको निश्चित रूप से आप सोल्व करना। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती है, ये भी बहुत मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। छुमी पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है, मतलब ये इस क्वेश्चन के अंदर लगभग समझ आ सकता है कभी कि छुमी पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है, डिफरेंस है ये। इसके बाद अगला जो चैप्टर है अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा जो कि 2 नंबर का प्रश्न होगा और एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का होगा। इस चैप्टर में से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब एक नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, केवल एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब टोटल जो मार्क्स होंगे टोटल नंबर 7 नंबर का इस चैप्टर पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में आपको ये दिए हुए अमीबा द्विखंडन किस प्रकार होता है, ये अतिरिक्त प्रश्न है, आपको अवश्य सॉल्व करना है। अमीबा में द्विखंड किस प्रकार होता है, इसके बाद इस चित्र की भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। पुष्प का है, मनुष्य का नर जनन तंत्र और मानव का मादा जनन तंत्र, ये दोनों ही भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके भी आपको चित्र की प्रैक्टिस करना है, चित्र अच्छी तरह से आपको बना के देखना है। अलैंगिक जनन की
क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है, मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामक की चित्र बनाइए। यदि बहुत ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन, इसका डायग्राम अभी आपको बताया मैंने, ये वाला डायग्राम है, ये दिया हुआ डायग्राम, इस डायग्राम को सचित्र बनाना और अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें तीन डायग्राम, एक ये डायग्राम है, सेकंड ये डायग्राम है, और ये तीनों डायग्राम की अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, एक कोशिक एवं बहुकोश जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर में से। अगला चैप्टर है अध्याय 9, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि 1 नंबर के होंगे, और 1 प्रश्न आएगा जो कि 2 नंबर का होगा। इस प्रश्न में कोई भी दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, केवल अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि अति लघुतरी प्रश्न आएंगे, दो नंबर का ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए बड़ा प्रश्न आपको इसमें से याद नहीं करना है, छोटे प्रश्न ही याद करना है। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समझादंक कहा जाता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। जीवाश्म क्या है, वे जीव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, समझात तथा समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद अगला जो चैप्टर है प्रकाश, अध्याय 10, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जैसे पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव होगा, 1 प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर वगैरह, 1 प्रश्न जो पूछा जाएगा 5 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 8 नंबर के प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है वो है, अवतार दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। एक गोली दर्पण की प्रकृति जब 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम वाहनों में उत्तर दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ये 2-2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल अथवा जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है किरण आलय खींचना, किरण आलय खींचना ये भी सेम है दोनों का, ये अवतल लेंस का है और ये उत्तल दर्पण का है। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम चित्र सहित आपको लिखना है। फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी चित्र सहित आपको लिखना है। और
एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे वी को सिद्ध करना है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। इसको लेंस सूत्र करते हैं या लेंस सूत्र को सिद्ध कीजिए, दोनों का एक ही क्वेश्चन स्टेप से पूछा। प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, दो क्वेश्चन आएंगे जो कि एक नंबर के रहेगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा वो तीन नंबर के रहेगा। मतलब इस चैप्टर में इसमें अति लघुत्री और निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, केवल दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों होता है, बहुत मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये वाला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये भी बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 12वां चैप्टर है विद्युत। इस चैप्टर में से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे दो नंबर का, दो ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि एक नंबर के होंगे और एक प्रश्न आएगा जो कि चार नंबर का एक प्रश्न होगा। मतलब इस टोटल छः नंबर के इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन विद्युत। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर करता है, बहुत ही मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है ये। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। इसके बाद किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आलेख कीजिए जिसमें दो वोल्ट के तीन सेलों की बैटरी एक 5 ओमेगा प्रतिरोध तथा एक 8 ओमेगा प्रतिरोध तथा एक 12 ओमेगा प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी में संयोजित है, यह आपको हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न पहला है 1 ओमेगा तथा 10^6 ओमेगा और 1 ओमेगा 10^3 ओमेगा तथा 10^6 ओमेगा के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में क्या निर्णय करेंगे। बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, प्रश्न पहला तीसरा चौथा और पाँचवा, ये सभी प्रश्न जो चार प्रश्न दिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही सही, सभी को सोल्व करके आपको देखना है। इस क्वेश्चन में से संभावना सभी की बन रही है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अगला जो चैप्टर है अध्याय तेरह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पार्ट में से केवल एक ही प्रश्न आएगा, दो प्रश्न आएंगे जो तीन नंबर के होंगे, छः नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, दो प्रश्न रहेंगे, तीन नंबर के दो प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी प्रश्न एक नंबर में नहीं पूछा जाएगा। किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ये दोनों ही वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, आप इसको डबल राइट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए और दृष्टि धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में अधिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
प्रकार इसी चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, इस चैप्टर में से एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल उत्तर अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों, संभावना कम लग रही है लेकिन आप तो इन क्वेश्चन को ध्यान इसमें करना। महासागरों से प्राप्त होने वाले ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं, भूतापी ऊर्जा क्या होती है, नाभिक ऊर्जा का क्या महत्व है, ये तीनों ही मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप अवश्य करना, इन क्वेश्चन को आप रहने देना, शायद नहीं लगता कि आएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन है, ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं, ये तो बहुत ही मोस्ट एम्पी क्वेश्चन है, और एक सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियाँ हैं, क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकरों का सीमित उपयोग होता है, बिल्कुल सौर कुकर से संबंधित, सौर कुकर और ऐसे संबंधित एक प्रश्न तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगला जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस प्रश्न में प्रश्न अति लघु निबंधात्मक या दीर्घोत्तरी कोई भी प्रश्न आएगा, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे हमारा पर्यावरण। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए आपको सभी गाइडों के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए सारी करना, और जितने भी गेस पेपर है उसमें से भी आपको अवश्य सोल्व करना है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इस चैप्टर में से भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि 1 नंबर का रहेगा, और इसमें से कोई भी दीर्घोत्तरी लघुत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार से मैंने आपको इस चैप्टर के पूरी विज्ञान के टोटल आईएमपी क्वेश्चन बता दिए, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी करना। सभी को एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक।